हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब टाइम हो चुका है 5:47, तो अब बजने वाले हैं 6 और मैंने चाय वगैरह पी ली थी, चाय पी ली थी और बिस्कुट खा लिए थे। तो सौरभ भाई का जो अपना वो कल अपने यहाँ पे पहुँच जाएगा इंडिया, तो कजाकिस्तान से चलेगा, वो रात को चलेगा मेरे ख्याल से, मम्मी बोल रही थी 2:30 बजे के आसपास चलेगा कजाकिस्तान से। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में वो 10:25 पे पहुंच जाएगा। तो नवनीत भाई जो अपने नीनू भाई है वो लेने के लिए गए हुए हैं सोनू भाई को, तो कल तो आ जाएगा अपना लाडा, तो बहुत ही अच्छी बात है। दो महीने या 3 महीने तो लगा कर जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। कहाँ कहाँ जाएगा, मामा के घर भी जाएगा, थाना में, थाना गाँव पेवा के पास, फिर बुआ के घर जाएगा, फिर बता देगा कहाँ कहाँ जाएगा। तो गाइस अब टाइम हो चुका है 6:30, यानी कि 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। और अब मैं नहा लेता हूँ, और अब मैं अपने रूम में था, नहा लेता हूँ और नहाने के बाद मैं पढ़ाई कर लूँगा, और उसके बाद 8:30 बजे लाइब्रेरी में भी जाना है ना, तो अब मैं नहा लेता हूँ और पढ़ाई कर लूँगा नहाने के बाद। तो गाइस टाइम हो चुका है 6:54, यानी कि 7 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी है 7 बजने में। और मैं नहा लिया था और नहाने के बाद अपने रूम में आ गए हूँ, और अब मैं कर लेता हूँ पढ़ाई, क्योंकि पेपर भी है ना, बी एड के पेपरों की भी तैयारी करनी ज़रूरी है। तो मैं बी एड के पेपर्स की तैयारी कर लेता हूँ, मतलब मैथ का काम मेरा चल रहा था, तो उसमें मैंने टॉपिक किया था गणित के बारे में, गणित क्या है, गणित का कार्यक्षेत्र, गणित का कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ पर, मतलब गणित का प्रयोग होता है। तो गाइस अब टाइम हो चुका है 8:27, यानी कि 8:30 बजने हैं। मैंने चावल खा लिए थे, चावल और छोले खा लिए थे, तो उसके बाद अपने रूम में आ गया था मैं। अब मैं पी लूँगा दूध और फिर लाइब्रेरी में भी जाना है ना, तो फिर उसके बाद दूध पी करके बैग वगैरह लेकर के लाइब्रेरी में मैं और रनिंग चले जाएंगे। तो गाइस अब टाइम हो चुका है
8:46 हो चुके हैं गाइस, 9 बजने वाले हैं और मैं अनिल के घर पे आ चुका हूँ। अभी अभी आया हूँ तो अनिल बोल रहा है कि 5 मिनट रुक, मैं आया। तो अभी अनिल आ रहा है 5 मिनट में, तो फिर मैं और अनिल लाइब्रेरी में जाएंगे। तो गाइस मैं और अनिल अब पहुँच गए हैं के पास, लाइब्रेरी है हमारी। बहुत अच्छा लगता है नील स्कूटी चलाता हुआ, लगता कि स्कूटी तो वही इसी के लिए बन गया नील के लिए। और ये हमारी तो यह जब टाइम चुका है 10:30 का, तो सौरभ भाई अपना सोनू भाई अभी एयरपोर्ट पर पहुँचा है और अब 10:30 बजे फ्लाइट है कजाकिस्तान से इंडिया की। और कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर 10:30 बजे के आसपास पहुँचे हुए, तो अभी कजाकिस्तान में है एयरपोर्ट पे। तो कल यानी कि शाम तक ही आएगा सोरे। तो बहुत बढ़िया भाई, जल्दी घर आ जाए। हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा, मंगलमय हो आपकी यात्रा। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो चुका है 5:39 और अभी अभी उठे हमें, सारी रात आज लाइब्रेरी में थे। तो अब हम गए घर पे और आज छोटा भाई भी आ जाएगा सोनू, उससे भी मैं आपको मिलवाऊँगा। तो 10:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचेगा, तो उससे भी मैं आपको मिलवाऊँगा गाइस। तो अब जाते हैं अपना घर। और गाइस आज सुबह सुबह बारिश होगी, हम आ ही रहे थे लाइब्रेरी से कि अब तो बारिश कम होगी, पहले तेज़ आ रही थी तो अब रुकी है ना बारिश। तो अभी अभी हम चले थे 6:06 बजे चले थे और अब मैं पहुंचने वाला हूँ घर पे, क्योंकि बारिश आ रही थी ना सुबह, पहले तो थोड़ी तेज़ आ गई थी, अब रुकी है कुछ मतलब रुक ही गई। हाँ रुक ही गई। तो फिर अब आए हम लाइब्रेरी से, बस मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, मैं अभी डांड रोड पे हूँ। और अभी अपना जो सेक्टर है वो आ गया है उल्टी सेक्टर, फिर आप पहुँचेंगे घर पर। और आज अपना सोनू भाई, सौरभ भाई आ जाएगा 10:30 बजे, भाई अपना पहुंच जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से आएगा कैथल, नीनू भाई नवनीत भाई गए हुए हैं उनको देने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आ चुका था स्माइल कन्फेक्शनरी में, यहाँ सोनू भाई के लिए सौरभ भाई के लिए केक तैयार करवा लूँ, सरप्राइज अभी करवाने के लिए भी सोनू के लिए। तो अभी करवा लेता हूँ केक तैयार, देखते हैं कितने रुपये तक का केक बनेगा। भाई केक तैयार करवाना है
कितने पौंड का? कितने पौंड का? एक दो तीन, कितने पौंड का चाहिए? तो गाइस यहाँ पे केक रखे हुए हैं, तो मैंने सोनू भाई के लिए, सौरभ भाई के लिए केक तैयार करवा दिया है। तो बोल रहे हैं शाम को ले जाना, इसे मालिक कॉन्टैक्ट में भी है, आप देख सकते हो गाइस। तो अब शाम को ले जाएंगे, अभी गूगल पे कर देते हैं इनका पास पैसे। गाइस मैंने सोनू भाई के लिए, सौरभ भाई के लिए केक तैयार करवा दिया है, तो रील भाई पे नाम दिखवाऊँगा कि वेलकम ब्रो, वेलकम ब्रदर। गाइस ये है सोनू भाई का केक, WELCOME। ब्रदर में आ गया था, मैं इन्हीं को छोड़ करके लाइब्रेरी में डेली मतलब इनको भी छोड़ कर आई, और ये सरप्राइज है इसमें बैंक भी कर रखा है। तो बस मेरा पानी भर रहा है, और मैं भी नहा लूँगा, तो खाना भी खाना ना, आज सेंटर भी छुट्टी है। तो गाइस मैंने खाना खा लिया था, ये भी खाया खाना, और मम्मी ने भी खा लिया था। तो मैं मम्मी के साथ थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो फिर अभी जा। तो गाइस कुसुम दीदी, अक्सु और एमी आयो है अपने घर उड्डा में, ये अक्सु है। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? आपका नाम बताओ गाइस को। और ये एमी आ गया। हेलो एमी, इधर आ। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, आज आप कहाँ आए हुए हो? आज हम आए हुए हैं मेरे मामा के घर पे। क्या नाम है मामा का? रोमी। और नानू को? नानू को नहीं पता। नानू को नहीं पता। और सोनू भाई आएगा ना, तो सोनू भाई से मिलने के लिए आए हैं। सोनू भाई अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए, और नीनू अपने जो नवनीत भाई है, नीनू भाई है, वो सोनू भाई को लेने के लिए दिल्ली गए थे कल। तो अभी वो ले आएंगे, पाँच पाँच किले के आई हमें। तो गाइज एमी और अक्षिता मेरे साथ आ गए थे, मैंने सोचा कि इन बच्चों को थोड़ी देर घुमा ले आऊँ। बहुत एमी तो गाड़ी का बहुत शौकीन है ना एमी, गाड़ी अच्छी लगती है ना तेरे को? कौन कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? ये वाली मुझे तो, एक तो लैम्बोर्गिनी लगती है, जिसमें मैं आज बैठा हूँ ना, एक तो वो अच्छी लगती है, और एक बाइक में से मुझे निंजा बाइक लगती है। निंजा बाइक अच्छी लगती है, और कौन सी लगती है? और एक स्प्लेंडर। स्प्लेंडर, वाओ आपकी अच्छी चॉइस है। और आपको डॉगी कौन सा अच्छा लगता है? मुझे डॉगी अच्छा लगता है, शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड। अच्छा जर्मन शेफर्ड, तो बहुत इसकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। मतलब A1 बन जाए मेरा, A1 चॉइस अच्छी है। आपका क्या नाम है? अक्षिता। घूमने जा रहे हो मामू के साथ? वाहेगुरु बोल दो। तो मामू के साथ घूमने जा रहे हैं, तो मैं इनको घुमा लेता हूँ थोड़ी देर, खुश हो जाएंगे बच्चे गाड़ी में। जब एमी और अक्षिता रेस लगाएंगे, तो अब मैं रेडी स्टेडी एंड गो बोलने वाला हूँ। जब मैं रेडी स्टेडी एंड गो बोलूँगा, तब एमी और अक्षिता यहाँ तक आएंगे। रेडी स्टेडी एंड गो। वाओ गाइस, कुसुम दीदी आ रही है आज, सोनू भाई आएगा ना, उनसे मिलने के लिए आ रही है। कैसा फील कर रहे हो आप? सोनू भाई आएगा? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक साल बाद तो आएगा ना? साल तो। ये मम्मी है, मम्मी भी बहुत अच्छा फील कर रही है सोनू भाई आएगा। मम्मी गाइस आप बुरा नहीं मानना, मम्मी थोड़े मजाकी है यार, मम्मी को बस आप मजाक में ही ले लेना। और ये मम्मी फोन चला रहा है, और ये अक्षु अपनी मम्मी के पास बैठेगी, वो अब तो ये खुश हो गए। मेरे मम्मा को लाइक सब्सक्राइब कर दियो। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस बोल दे। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? मैं वीडियो साथ बना रही हूं।
कहाँ आ रहे हो आप? तो गाइस अभी मम्मी जी देखते हैं क्या बनाएंगे। तो कुसुम दीदी क्या खाओगे आप? छोले चावल, नमकीन चावल कुछ तो खाते होगे। ठीक है, बढ़िया। तो गाइस अब टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं और सोनू भाई अभी मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे है, तो पहुंच गए थे 10:30 बजे समथिंग पहुंचे थे, नियर बाय 10:30 बजे। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो गाइस, देखना बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, इसकी मम्मी पढ़ लेगी, अंकल के पीछे लग लिए ये तो। अच्छे है ना एमी, कैसे लग रहे तूने ये बच्चे? ये वाला देसी नस्ल का है, अच्छी वाली नस्ल का नहीं है। और एमी अभी मेरे साथ मार्केट में आए हुए है चीज लेने के लिए, तो एमी को दिलवाता हूं मैं चीज। तो आप कैसा फील कर रहे हो सोनू मामा आएंगे आपके? अच्छा, मिलोगे सोनू मामा से? क्या बोलोगे सोनू मामा को? अच्छे वाले डॉक्टर बनना। अच्छे वाले डॉक्टर बनना। चलो, और गाइस हम पहुंच गए, मैं और एमी पहुंच गए हैं मार्केट में, उड्डा मार्केट में। एमी को मैं दिलवा देता हूँ चीज, ये एमी पीछे रह गए हैं अभी, एमी दिलवा देता हूँ चीज। एमी क्या लेगा? अक्सू के लिए भी लेनी है ना, अक्सू के लिए भी ले लेंगे। और गाइस सोनू के आने में सोनू आ गया है, बस एमी को और मेरे को बहुत ऐसी मतलब खुशी चढ़ी हुई है ना, हैप्पीनेस हो रही है कि अपना भाई आ गया, इसका मामू आ गया ना एमी। ओ वेरी गुड, कौन आ गया? तेरे को बहुत खुशी हुई है ना सोनू? अभी नवनीत नीनू भाई के साथ वीडियो कॉल की हुई थी ना, सोनू पहुंच गया अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, बस अभी पहुंचने वाला है अपना सोनू। हिप्पिक हुर्रे। और एमी अक्षिता दोनों बहन भाई अभी चावल खा रहे हैं, नमकीन चावल बना है इनके लिए, और इनके लिए ए से भी ऑन कर दिया। एमी को थोड़ी मिर्ची लग रही है इसके अंदर, नमकीन चावल के अंदर। एमी है देखना क्या कर रहा है, शरारत। दीदी आप भी खा लो, मिर्ची लग रही है इसको एमी को। गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:42, यानी कि 2 बजने वाले हैं, और सोनू भाई पता नहीं चल दिया है दिल्ली से, सोनू और नीनू भाई पता नहीं है अभी दिल्ली में, पता नहीं कितने मतलब कन्फर्म नहीं है चल दिए भी हो गए या नहीं भी। और मैं अभी पिन्नी को लेके आ रहा हूँ लाइब्रेरी से, क्योंकि कुसुम दीदी आई हुई है ना, और एमी और रक्षिता आए हुए हैं, थोड़े मतलब शरारती है एमी और रक्षिता, तो इसलिए पिन्नी थोड़ा वो कर लेगी, ख्याल रख लेगी उसका एमी और रक्षिता का। एमी तो फिर भी ठीक है, रक्षिता थोड़ी शरारती सी है, और मम्मी को और कुसुम दीदी को बाजार में जाना है, तो इसलिए मैं पिन्नी को लेके आ रहा हूँ लाइब्रेरी से। अभी हम बस स्टैंड के पास मैं पहुँचता हूँ, अभी ले आता हूँ पिन्नी को लाइब्रेरी में। तो गाइज मैं मम्मी और एमी अभी अभी पहुँचे बस स्टैंड पे 7:45, और अभी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा गाइज, क्योंकि मम्मी का बेटा आने वाला है ना, है ना मम्मी? कैसा फील कर रहे हो आप? अरे बहुत 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 अच्छा। एमी कौन आएगा? मेरे मामा जी आएंगे। क्या नाम है मामा का? सोनू मामा। सोनू मामा, सौरभ। तो अभी सौरभ का वेट कर रहे हैं, हम बस स्टैंड पे आ गए हैं, पहुंचने वाली है दिल्ली वाली बस, तो अभी कर लेते हैं सौरभ का वेट, फिर उसको लेकर के हम जाएंगे घर पे। तो गाइस नीनू भाई का फोन आया था, नवनीत भाई का अपने का, तो अभी वो पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या नाम है, पुंडरी पहुंच गए अभी बस। पुंडरी से थोड़ी दूरी का रास्ता है, यानी पुंडरी से कैथल 14 किलोमीटर है, और ये एमी खड़ा है सोनू की वेट में,
और मम्मी जी भी आगे पीछे घूम रहे हैं। मम्मी पे मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी, कभी मेरे को पकड़ लेती मेरा बेटा आएगा, कभी मम्मी को पकड़ लेती मेरा बेटा आएगा। मम्मी का बस क्या बताया रिएक्शन, आखिर में माँ तो माँ ही होती है। देखो मम्मी, और बताओ मम्मी जी, ठीक है सब? बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो अभी वेट ही कर रहे हैं सोनू का, पहुंचने वाला है गाड़ी से, तो उतर लिए अभी 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 उतरे मतलब कि। तो ये अम्मी भी सोनू का वेट कर रहे हैं, है नहीं अम्मी? हेलो गाइस, आपको सोनू का पता है? तो अभी सोनू भाई की बस आ चुकी है, अभी अभी आई है, एंट्री कर चुकी है, अभी हम वेट में खड़े हैं सोनू भाई के। मम्मी भी देखो, मम्मी में इतनी खुशी है ना कि बस पूछो ना। और एमी ने ये पी जल्दी रहा पी रहा है, एमी उतरने वाला है सोनू भाई अभी। और नवनीत भाई उतर लिए है, पार्टी ले सोनू का दोस्त, एक जन और गया था, क्या नाम है पता नहीं, क्या नाम बोल सकते हैं? वो समझ रहे गए दे रहे सारे पी गए थे और सोनू भाई उतरते हुए एक साल बाद आए हैं कजाकिस्तान से। मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये सोनू का दोस्त भी आ गया, पर भाई क्या हाल है? तो भाई सोनू भाई अभी अभी आ गया, अभी अभी बस घर पे लेके आया, और अभी आकर के सोनू भाई ने केक काटा है, बस वेलकम जो वेलकम होता है ना उसका केक काटा है भाई ने, और ये अपने सोनू भाई है। तो भाई सोनू भाई आ गया था, 8 बजे आ गया था सोनू भाई, उसको मैं और मम्मी और ले आए थे बस स्टैंड से, और सभी से मिल के गए, कुसुम और भी आ रहे थे, माँ और भी आ रहे थे, नीनू भाई तो साथ में गया था, मामा जी और भी आ रहे थे, स्पर्श भी आ रहे हैं, मामा जी का लड़का नानी भी आ रही है। तो बस गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, सोनू भाई के ऊपर बनाया था और सोनू भाई आ ही गया। तो आप सबको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। तो फिर गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।